देखते रहिए यूबीएन जीरो एट जिला कोंडा गांव छत्तीसगढ़ से भुवन लाल मार्कंडे की रिपोर्ट। सतनावी समाज स्थापना एवं धर्म सभा संसद प्रथम परिसीमन कोंडा गांव में 100 गवाह युवा दल द्वारा प्रथम युवा सम्मेलन एवं प्रशिक्षण शिविर का रखा गया आयोजन। आज 100 गवाह युवा दल द्वारा कोंडा गांव में प्रथम युवा सम्मेलन एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन रखा गया था। बता दें कि 100 गवाह युवा सम्मेलन में मुख्य अतिथि लखमू राम टंडन प्रधान संयोजक, 100 गवाह सतनामी समाज स्थापना एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा युवाओं को कैडर के माध्यम से समाज की महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देते हुए इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सहयोग एवं युवाओं को जोड़ने में अहम भूमिका विजय लहरे संजीव कुमार मार्कंडे एवं साथी रहे। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में संतु बादे सानू मार्कंडे अध्यक्ष सतनामी समाज, सुरेश बघेल, गणेश्वर आजाद, जगाड़े धनसराज टंडन, चंद्रेश चतुर्वेदी, शिवराजू एवं समस्त सतनामी समाज के वरिष्ठ गण उपस्थित रहे। और अपना परिचय बताएंगे पहले। मेरा नाम लखमूराम टंडन है और 100 गवाह सतनामी समाज स्थापना एवं गुरुद्वारा धर्म सभा संसद में प्रधान संयोजक जी। आज ये प्रशिक्षण सा कार्यशाला या ये क्या बोले सम्मेलन रखा गया है, युवा सम्मेलन रखा गया आपके द्वारा, बताएंगे क्या उद्देश्य से रखा गया था, क्या क्या है इसके जी। जो 100वां सतनामी समाज स्थापना गुरुद्वारा धर्म सभा संसद जो एक हमारा सामाजिक व्यवस्था के तहत एक संगठन है जो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी, गुरु अमरदास, गुरु बालकदास जी के द्वारा संचालित हमारा अडगवा व्यवस्था का एक स्वरूप है। तत्कालीन समय में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी और जब गुरु अमरदास गुरु बालकदास साहेब जब सतनामी समाज के संरचना बना रहे थे, समाज संगठित कर रहे थे, तो उस समय इन्होंने भूगोल के हिसाब से समाज को एकत्रित किया। जैसे हम बस्तर में रहते हैं, हमारे बस्तर में लगभग 70 से 80 गांव, पहले बस्तर एक था, हम लोग सब बंधे हुए थे। तो इसी दूरदृष्टि को देखते हुए उन्होंने ताकि समाज एक रहे, आज हम लोग वर्तमान परिस्थिति में देखते हैं तो 7 जिला में बढ़ गया। यदि हम लोग सामाजिक संरचना की बात करेंगे तो हम टुकड़े हो सकते हैं, कोई जिला में 10 गांव आ जाएगा, कोई जिला में 15 गांव आ जाएगा। तो क्योंकि क्या है कि इस बात को ध्यान में रखते धार्मिक संगठन के रूप में उन्होंने एक संसदीय परंपरा दिया और समाज को बंधने के लिए एकता रहे, इस तरीके से उनका एक संरचना था। उसी संरचना को हम लोग चूँकि समाज न टूटे और समाज संगठित रहे, इसलिए 100वां सतनामी समाज हम लोग एक व्यवस्था को बना रहे हैं। और आज छत्तीसगढ़ में 57 परिसीमन हमारा बना है, 57 भागों में सतनामी समाज एक हो रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज जैसे कि आज की कार्यक्रम है जिसमें आप लोग हमारे वीडियो ले रहे हैं, इसमें सबको खासकर मैं युवाओं को बधाई देना चाहता हूँ कि पहला है कि पहला सम्मेलन है कि हम युवाओं को जोड़ना चाह रहे हैं इस मुहिम में, तो 100 गांव के युवा एकत्रित होंगे। तो हम लोग 15 वर्ष से लेकर के 35 साल के युवाओं को समाज के धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षिक, बौद्धिक इस बातों को उन्हें ज्ञान में लाने के लिए, ध्यान में लाने के लिए कार्यक्रम बना हुआ है। और आज ये प्रथम दिन है और हमने कार्यक्रम रखा है और ये आगे चल करके हर 100वां परिसीमन में 100वां युवा दल का गठन किया जा रहा है और लाखों की संख्या में जी। कार्यक्रम जो आपका होता है 100वां जो कार्यक्रम होता है एक मेले के रूप में, वो कब होगा ये बताएंगे सर जी इनके बारे में। हाँ, ये जो जैसे परम पूज्य जो गुरु बालकदास जी साहब थे जो राजा की पदवी लिए थे, तो एकादशी दिन उन्हें राजपाट दिया गया था, तो उसी के सिलसिले में हम लोग मेला का भी आयोजन करते हैं। तो ग्राम जो कुसमा है जो एकादशी के दिन इस समय 25 अक्टूबर को होगा जो भव्य रूप से मनाया जाएगा। वर्ष 2019 से हम लोग लगातार मना रहे हैं और इस समय पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी परिसीमन बना हुआ है सभी जगह मेला का आयोजन होगा। धन्यवाद भैया।